saying anything because you're a very, very matured man. No, but let's ask Mr. Mukesh Gandhi from the Ajit Dada Pawar group. You were saying something, Pradeep. He can answer. Mr. Gandhi can answer these questions. Mr. Gandhi, very good evening to you, sir. Namaskar. Namaskar, good evening. Namaskar, sir. Namaskar. Namaskar. Vande Mataram. आपको गुरु नानक जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु नानक जयंती के पर्व पर गुरु नानक जी का मेरा सत सत प्रणाम। सर ये बताइए, सर ये बताएं, क्या ये बात ठीक है कि अजीत दादा पवार साहब जरा से अनकंफर्टेबल हैं इस वक्त इस सरकार से? इज दैट ट्रू? नहीं नहीं नहीं, आपको एक गलत फहमी समाज में कुछ असंतुष्ट राष्ट्रवादी के लोगों ने और कांग्रेस ने फैलाई है। बाकी आज की तारीख में अजीत दादा पवार बहुत जोर में और ताकत से काम कर रहे हैं, पूरा संगठन आगे बढ़ा रहे हैं और लोगों के प्रॉब्लम को बहुत सिस्टमेटिक रूप से सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन मुकेश गांधी साहब अभी हाल ही में, सॉरी प्रदीप जी, मुकेश गांधी साहब अभी हाल ही में आदरणीय सम्माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब और एकनाथ शिंदे जी, ये दोनों जो है दिल्ली गए थे। जब वापस आए तो अजीत दादा पवार जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यार मुझसे पूछ के थोड़ी गए थे। उसके बाद अजीत दादा, इसके बावजूद कि उनको डेंगू था, डेंगू या डेंगी जो भी बोलते हैं, इसके बावजूद वो प्रफुल्ल पटेल साहब के साथ गए अमित शाह जी के साथ मिलने के लिए, और जब वापस आए तो प्रफुल्ल पटेल साहब ने यह कहा कि महाराष्ट्र का कोई गंभीर मसला था उसके ऊपर हम डिस्कशन करने के लिए गए। तो इससे क्या प्रतीत होता है आपको मुकेश गांधी साहब? देखिए, ऐसा है कि कई बार बड़े नेताओं के मुंह में ऐसे ही मीडिया एक स्टेटमेंट डाल देती है। मेरे हिसाब से प्रफुल्ल पटेल ने ऐसा कुछ कहा नहीं है। प्रफुल्ल पटेल ने यही कहा था कि हमारे यहाँ महाराष्ट्र के कुछ कार्य है, जो योजनाएं हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए, और सेंट्रल फंड कैसा आए और महाराष्ट्र प्रॉस्पर कैसा होए उनके लिए हम गए थे। ये जो अजीत पवार कि डेंगू की तब परिस्थिति अच्छी थी, ही वॉज नाइस इन हेल्थ, तो इसलिए वो प्रफुल्ल पटेल के साथ में अपने हिसाब से गए थे। इसमें कोई विवाद का कारण है ही नहीं, ये मीडिया ने यहाँ बड़ा चढ़ा करके कहा हुआ है। प्रदीप जी, गांधी साहब, यू नो मुकेश गांधी साहब, सुप्रिया सुले जी लगातार आलोचना कर रहे हैं ट्रिपल इंजन सरकार पर। शी से ट्रिपल इंजन इंटेलिजेंस फेलियर है, ट्रिपल इंजन को कोई इंफॉर्मेशन लाठी चार्ज में दिया, एवरीथिंग द होम मिनिस्ट्री एंड द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल। अभी उन्होंने कहा कि आज कहा कि भुजबल साहब इज पार्ट ऑफ द कैबिनेट। व्हाई इज भुजबल साहब एड्रेसिंग इश्यूज ऑफ द कैबिनेट इन द पब्लिक मीटिंग? अगर कुछ करना हो, अगर शिंदे कमेटी बर्खास्त करना हो तो कैबिनेट में बात करें। अगर गांव बंदी का बोर्ड लगा उसको हटाना है तो कैबिनेट में बात करें, ये पब्लिक में क्यों बात कर रहे हो? तो शी आलोचना लगातार सुप्रिया सुले जी के, होम मिनिस्टर शुड रिजाइन, ट्रिपल इंजन सरकार इज नॉट डूइंग द जॉब एंड ट्रिपल इंजन सरकार माइट कोलैप्स एनी टाइम बिकॉज 200 एमएलए है फिर भी देयर इज डेंजर ऑफ फॉलिंग डाउन। गांधी साहब, ये क्या है? सुप्रिया सुले जी को अभी सरकार चली गई और उनके साथ बैठने वाले प्रफुल्ल पटेल, अजीत दादा पवार, सुनील तटकरे, सब स्टॉलवर्ड लोग चले गए, तो मैं तो उनके जब स्टेटमेंट सुनता हूं तो मुझे लगता है कि सुप्रिया जी थोड़ी बौखलाई गई है। उनको पता ही नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि जब इतनी स्थिर सरकार है, इतने 200 एमएलए जिनके साथ है, उनको गिरने का कोई प्रॉब्लम आता ही नहीं है। दूसरी बात कि छगन भुजबल जी ने कोई आंदोलन करके ये मराठा आंदोलन के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दिया नहीं है, लोगों को भड़काया नहीं है। वास्तव में मराठा आंदोलन में कुछ सेल्फ इंटरेस्ट वाले लोग भड़काने का काम करते थे, उसने भुजबल साहब ने चेक किया है और उन्होंने यही बताया है कि भाई ये हमारे ओबीसी का कोटा कम करके मराठा समाज को ना दिया जाए, बाकी मराठा आरक्षण दिया जाए, उनको सेपरेट दिया जाए, इनके लिए वो पूर्ण सहमत है। तो अभी यहाँ सुप्रिया जी को कोई स्टेटमेंट करके कि जिससे ये गवर्नमेंट गिर जाएगी और भुजबल जी को राजीनामा दे देना चाहिए, रेजिग्नेशन दे देना चाहिए, ये बहुत ही गलत स्टेटमेंट है और इमैच्योर स्टेटमेंट इज फ्रॉम दी सुप्रिया सुले। गांधी साहब, कंटिन्यूअसली सुप्रिया सुले, आई जस्ट कंटिन्यू व्हाट शी सेड, शी सेड दिस गवर्नमेंट हैज ऑलवेज
बिट्रेड द मराठास, बिट्रेड द धांगर कम्युनिटी, बिट्रेड द लिंगायत कम्युनिटी और मुस्लिम रिजर्वेशन, उसको भी ट्रिपल इंजन सरकार ने कापट के अंदर दफना दिया है। नाउ शी टॉक अबाउट मुस्लिम रिजर्वेशन, सुप्रिया सुले बात करने के बाद पृथ्वीराज चौहान जी कांग्रेस लीडर, उन्होंने बोला है हाँ मुस्लिम रिजर्वेशन तो होना ही चाहिए, वो अब तक क्यों नहीं हो रहा है। तो ये कम्युनिटीज मराठा, डांगर, लिंगायत, मुस्लिम, सुप्रिया सुले has been highlighting. Do you think this government has betrayed the aspirations, गांधी साहब? नहीं देखिए क्या है, 10 साल तो पहले कांग्रेस एनसीपी की गवर्नमेंट में थी शरद पवार के नेतृत्व में, बाद में अभी उद्धव ठाकरे के साथ भी बीजेपी को डीच करके सरकार बनाई हुई है। और मैं सुप्रिया सुले को यही पूछना चाहता हूं कि आप कब तक मुस्लिमों का तुष्टीकरण करके हिंदू समाज के सामने अपना विद्रोह दिखाते हैं? आज हिंदुओं के लिए एकमात्र हिंदुस्तान है, भारत है, और मेरे वतन की परस्ती में आज हिंदू समाज की विस्तृत विचारधारा और सहनशीलता, सहिष्णुता के कारण आज हमारा हिंदुस्तान सही सलामत है। यहाँ के मुसलमानों को भी कोई तकलीफ नहीं है, फिर भी मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन क्यों देना है? तो पाकिस्तान में जो अभी हमारे बड़े बड़े मठों को, मंदिरों को गिराया गया, उसके सामने क्या हिंदुओं ने यहाँ कोई मुसलमान समाज के सामने कोई विद्रोह किया? नहीं किया। पर ये सुप्रिया सुले, कांग्रेस, शरद पवार, राहुल गांधी, ये सब मुस्लिमों का तुष्टीकरण करके हिंदू लोगों को ज्यादा से ज्यादा तकलीफ दे रहे हैं, और इसमें हिंदू समाज का ध्रुवीकरण होकर के एक मुसलमानों के तरफ एक विद्रोह की भावना होगी और कल सिविल वॉर हो जाए, ये करने का प्रयत्न करके वो अपनी भाखरी सेकना चाहते हैं। ये बहुत बहुत गलत है, और आने वाली कल मुझे ये कांग्रेस कल्चर की बहुत खराब दिखती है। सेवियर मात्र बीजेपी और एनसीपी अजीत दादा ग्रुप है, शिंदे ग्रुप है। दैट्स अ वेरी मेजर स्टेटमेंट सर, मिस्टर गांधी। यस सर। व्हाट छगन भुजबल जी आल्सो सेड वाज कि जो शिंदे कमेटी बनाई गई है उसको डिसॉल्व किया जाए, वो कहते हैं कि उसको डिसॉल्व किया जाए, ऐसा नहीं, वो उन्होंने सजेशन दिया हुआ है जी, क्योंकि उसके कारण क्या हो गया कि ये मराठा समाज के नेतृत्व के लोगों ने क्या कर दिया कि जो कुणबी का जो था ही नहीं वो इश्यू इसमें डाल दिया, और वो कहने लगे कि ओबीसी में हमको सबको ट्रांसफर करो, ये करो, और ओबीसी का कोटा कम करो। तो आज ओबीसी का समाज जो है वो समाज का पिछड़ा वर्ग है, पीड़ित वर्ग है, गरीब है, शोषित है, तो उनको जस्टिस मिलनी चाहिए। इसके लिए भुजबल साहब, भुजबल, छगन भुजबल एक प्रयत्न कर रहे हैं। और दूसरी ओर मराठा समाज समृद्ध है। अगर मुझे ये लगता है कि मराठा समाज क्यों ऐसा कोई विचार विनिमय करके, ऐसा कोई एजेंडा बना के, ये समृद्ध मराठा जो करोड़पति बिलियनर मिलियनर मराठा लोग है महाराष्ट्र में, वो मराठी समाज के, मराठा समाज के कुछ पीड़ित शोषित और गरीब लोगों के लिए क्या योजना बनाई है? उन्होंने कोई भाई योजना नहीं बनाई है। वो जरांगे अभी कहता है, जरांगे कहता है कि अभी हमारा मराठा का भवन बनाओ। अरे भवन बनाने के लिए ये मराठा लीडरों के पास तो करोड़ों की जमीनें और जायदादें पड़ी है, अरबों घर, लेट देम मेक वन बिल्डिंग, तो फिर वो क्यों नहीं बनाते हैं? ये क्या है, समाज को बांटने का काम आज कांग्रेस कर रही है, शरद पवार, सुप्रिया उसमें मिले हुए है। ओबीसी के खिलाफ का आंदोलन नहीं है, मराठा समाज के खिलाफ का आंदोलन नहीं है, ये हिंदुओं को पीड़ित करने का आंदोलन चल रहा है और हिंदू समाज को विभाजित करने का काम यहाँ हो रहा है जी। इसका सामने मेरा जबरदस्त विरोध है, मेरा आक्रोश है। मुकेश गांधी साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मुकेश गांधी साहब, यू आर अ वेरी प्रोग्रेसिव मैन, वी नो अबाउट यू, वी नो योर बैकग्राउंड, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, व्यक्तिगत सवाल है मेरा आपसे। हाँ, सर, ऐसे देश का क्या होगा या ऐसे स्टेट का क्या होगा? वी आर सिटिंग इन महाराष्ट्र, हम लोग महाराष्ट्र में, ठीक है सर? हाँ जी। महाराष्ट्र इज द नंबर वन स्टेट ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र इज द ड्राइवर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी इज ड्रिवन बाय महाराष्ट्र, ठीक है सर? यस। अब महाराष्ट्र में अगर सारी कम्युनिटीज एक दूसरे से लड़ेंगी टू प्रूव दैट दे आर मोर बैकवर्ड देन द अदर, कि हम ज्यादा पिछड़े हुए हैं, तो ऐसे ऐसे स्टेट का क्या होगा सर? मुकेश गांधी साहब बताइए। हाँ, आपने सही जगह पे अपना हाथ रखा है और आपने सही प्रश्न पूछा है। मैं अप्रिशिएट करता हूं कि आपको खरो सच के अर्थ में, सच्चे अर्थ में आपको महाराष्ट्र की चिंता है।
आज महाराष्ट्र का जो प्रोग्रेस हो रहा है वो प्रोग्रेस के खिलाफ में शरद पवार, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस, राहुल गांधी, ये सब बड़ा प्रपंच कर रहे हैं कि महाराष्ट्र अगर समृद्धि की ओर जाता है, शिंदे, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस की ये महायुति अगर सक्सेस होती है तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी, इनका इनको डर है, इसलिए महाराष्ट्र में अलग अलग इश्यू उठा के महाराष्ट्र को पिछड़ा रखने के अंदर ये बहुत बड़ा साजिश हो रही है, ये मेरा मानना है। और ये बहुत गलत कर रहे हैं, और आप लिख के रखना कि 24 में भी ये महायुति की सरकार ही ज्यादा से ज्यादा लोकसभा की सीट भी लाएगी, और आने वाले विधानसभा में, कॉरपोरेशन के सभी इलेक्शन में ये महायुति जीत के आएगी। क्योंकि एक बात मैं बताऊं कि महाराष्ट्र जो भी है ना, वो ओरिजिनली जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू, फुले, अंबेडकर जी का तो है ही, पर साथ में ये लोकमान्य तिलक का भी है, जो लोकमान्य नेता थे और जिन्होंने गीता रहस्य लग के हिंदुस्तान के भविष्य के निर्माण का काम किया है, और महाराष्ट्र को समृद्ध बनाने की योजना भी लोकमान्य तिलक ने दी थी, और वो विचारधारा से आज कांग्रेस विमुख हो गई है, और वो एक संकुचित सिर्फ मुसलमानों का तुष्टीकरण करो यही बात में पड़ गई है। वो बड़े बड़े दुख की बात है, बड़े शोक की बात है, और इससे हम लोग सब ग्लानी भनो। गांधी साहब, शरद पवार जी हैज क्रिटिसाइज मोदी साहब। शरद पवार जी दो इंस्टेंसेस में क्रिटिसाइज किया मोदी साहब को। एक बोले कि मोदी साहब जहां भी नॉन बीजेपी स्टेट्स में जाते हैं तो वहां के सीएम पे आलोचना करना शुरू करते, टिक्का टिप्पणी करना शुरू कर देते, उनको डिस्क्रेडिट करना करते। बोले पवार साहब, शरद पवार साहब बोल रहे हैं ये फेडरल स्ट्रक्चर के लिए ठीक नहीं है जो मोदी साहब कर रहे हैं। और दूसरा उन्होंने कहा कि मोदी साहब विश्वगुरु बनने के चक्कर में महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू को अंडरमाइन कर रहे हैं, उनका जो भी कंट्रीब्यूशन था देश के लिए उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। आप कितना सही ठहराते हो उस स्टेटमेंट का? गांधी साहब शरद पवार की थिंकिंग बहुत ही गलत है। मैं इसीलिए कहूंगा कि जब शरद पवार गुजरात में एनसीपी का प्रचार करने को जाते थे तब वो वहां क्यों उस टाइम मोदी की आलोचना करते थे? जब वो जम्मू कश्मीर में गए थे या दिल्ली में प्रचार करने को गए थे, दूसरे स्टेट में गए थे, तो वो क्या वहां के मुख्य प्रधानों की आलोचना नहीं करते थे? आज नरेंद्र मोदी जी अगर दूसरे स्टेट में जाकर के अपने पार्टी का कार्य विस्तार, वोटिंग पावर बढ़ाने के लिए अगर आलोचना करते हैं तो लोगों को भी पता चलेगा ना कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने कितने गफले किए हैं, दिल्ली की आप पार्टी ने कितने गफले किए हैं, पंजाब में कितने गफले हुए हैं, राजस्थान में कितने गफले गहलोत ने किए। ये आलोचना नहीं करेंगे तो आम जनता को पता कैसे चलेगा? मेरे भाई, उनको पता चलना ही चाहिए। और कौन कहता है कि नरेंद्र मोदी विश्व गुरु बनने के लिए प्रयत्न करते हैं? अरे ऑलरेडी वो विश्व गुरु बन गए हैं। कभी भी उन्होंने गांधी जी का अपमान नहीं किया, कभी भी उन्होंने नेहरू को अंडर एस्टिमेट करके उनके खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। पर जो कांग्रेस ने सरदार पटेल को, लाल बहादुर शास्त्री को, पीवी नरसिंह राव को जो कोने में रख दिया था, उनका सम्मान करने का काम तो शरद पवार जी पहले सीखे, फिर अपना बड़ा बड़ा स्टेटमेंट निकाले। और आज तक महाराष्ट्र को कौन सी समृद्धि दे दी शरद पवार ने? माफ करना, शरद पवार जी ने, हमारे बड़े नेता है, बुजुर्ग है, उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ बातें, आलोचना, पार्टियों की अदला बदली, और उद्धव ठाकरे को भड़का के उसको चीफ मिनिस्टर बना के पूरी युति तोड़ दी। और आज महाराष्ट्र में जो भी अशांति हुई है उसके कारण में दो ही व्यक्ति है, उद्धव ठाकरे और शरद पवार। यहां पर ये दोनों ने जी जी मुकेश गांधी साहब, ये बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्योंकि ये बात बार बार आ रही है, स्पेशली भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रवक्ता हैं, नेता हैं, वो ये कहते हैं कि शरद पवार जी जब सरकार में होते हैं तो कोई एजिटेशन नहीं होती है, जब शरद पवार जी विपक्ष में होते हैं तो मराठा आरक्षण की एजिटेशन हो जाती है, गोवारी एजिटेशन हो जाती है, माली एजिटेशन हो जाती है, कोली एजिटेशन हो जाती है। ये कहां तक सच है सर? गांधी साहब बताएं। सच है, पूरा सच है। पवार साहब की पूरी राजनीति आप देखिए
तो डिवाइड एंड रूल की जो अंग्रेजों की और कांग्रेस की जो राजनीति है वही काम उन्होंने किया है। महाराष्ट्र की समृद्धि का रेशियो बढ़ाने के लिए, महाराष्ट्र में नई नई योजनाएं लाने के लिए उन्होंने क्या किया है। आज देखो, एक तरफ गुजरात में नरेंद्र मोदी जी साहब ने आज देखो इतना बड़ा स्टेडियम खड़ा कर दिया, वल्लभ भाई का स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कर दिया, गुजरात में कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट खड़े हुए। तो शरद पवार साहब के 10 साल के और बाद में 2.5 साल के नेतृत्व में महाराष्ट्र में कुछ प्रोजेक्ट खड़ा हुआ। एक शिवाजी महाराज का, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का एक स्टेच्यू जो यहाँ चौपाटी में अरबी समंदर में बनाने वाले थे वो भी आज तक रखड़ा पड़ा है, वो भी नहीं हुआ है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का शिवाजी पार्क में जो पूरा हिंदू इंडिया यूनाइटेड मिल की जो प्रॉपर्टी लेकर के वहां बनाने का काम है वो भी आज पूरा नहीं हुआ है। इन्होंने क्या किया है, कोई बड़ा स्टेडियम बनाया। और आज तो अभी शरद पवार साहब लास्ट में बीसीए में जो क्रिकेट का जो वानखेड़े स्टेडियम में था पूरा उनका ग्रुप हार गया और उनके सामने बीजेपी का ग्रुप जीत गया। क्यों जीत गया? क्योंकि लोगों के अंदर उनके खिलाफ विद्रोह है, असंतोष है और लोग जानते हैं कि इन्होंने क्रिकेट की योजनाओं में क्या क्या काम किए और क्या क्या नहीं किए और स्टेडियम में क्या क्या हुआ और क्या क्या नहीं हुआ। इसके कारण पवार साहब की पूरी पैनल हार गई, फिर भी उन्होंने प्रेसिडेंसी से राजीनामा नहीं दिया। सॉरी टू इंटरप्ट, वहीं बैठे हैं। मिस्टर गांधी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, दिस इज समथिंग व्हिच हैज बीन ट्रबलिंग मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। नाउ एज यू नो आई हैव बीन अ जर्नलिस्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, आई हैव बीन अराउंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। नाउ या when Nitin Gadkari was here, he was the PWD minister, if you remember, between 95 and 99. Yeah. He made 43 flyovers in Mumbai. Yes, nahi 55. Sir, 55 total planned the, lekin unke karyakal mein 43 bane Mumbai mein. Ah, aur Mumbai Pune expressway ban gayi zabardast tarike se. Fantastic. Ah. Jo Mumbai, jo Bandra Worli ceiling tha, wo banne wala tha, uska kaam shuru ho gaya. Aur unki plan ye thi ki agle 1.5 saal ya 2.5 saal ke andar andar ban jayega. Sir, it took 15 years for the Congress NCP government, oh no, sorry, 12 and a half years for the Congress NCP government to complete one sea link. Why is that? Why do things get delayed when Mr. Pawar is in power? Why? And it was not a full sea link, it is a half sea link, only one. Less than half, sir. Sir, less than half. One fourth of the sea link. Because the Varsova Bandra link did not get completed. The Worli Nariman Point link did not get completed. Quite right. Yes, sir. Even at the opening time ceremony when Sarat Pawar's minister was there as a MMRDA's minister, that time MSRDC president was there, everything was announced, but nothing has happened. Yes. In last so many years. Only talking and why does that happen then? Why? You just image once aside Praful Patel has made the new Bombay International Chhatrapati Shivaji Maharaj Airport like a big way. Yes. Such a big terminal he has made. Very posh and very effective and very total of mechanizations and everything. Or wahan jo airport pe jane ka jo rasta hai, वो बांद्रा से हम जो शुरू करते हैं वो एक ब्रिज छोटा बनाने के लिए पवार साहब की उस टाइम की गवर्नमेंट ने कम से कम 3 साल लगाए और पूरे ट्रैफिक को जाम करके रखा। तो व्हाट इज द प्रोग्रेस, व्हाट इज द इंटेंशन बिहाइंड इट, व्हाई दे हैव नॉट मेड ऑल द थिंग्स पावरफुली? डज दैट हैव टू डू विद कॉस्ट एस्केलेशन एंड अदर थिंग्स? That is a part of the game and part of the thing. देखो ऐसा है कि उद्धव ठाकरे के पास भी 25 साल कॉरपोरेशन था, पर ये मुंबई को तुम्बई बना दिया। तुम्बई माने मराठी में बोलते हैं कि मुंबई हर टाइम पानी की बरसात होती है तब पानी कई एरिया में भर जाता है, डूब जाता है। पर लास्ट एक साल से शिंदे साहब के हाथ में ये पूरी गवर्नमेंट है, तो ये साल में बम्बई के बारिश में इतना ज्यादा बारिश बरसा फिर भी मुंबई का तुम्बई नहीं हुआ, मुंबई डूबा नहीं, पानी भरा नहीं, रस्ते ये हो गए और जहां जहां भी खड्डे पड़ते हैं तुरंत दूसरे दिन एक हफ्ते के अंदर वो खड्डे भर जाते हैं और ट्रैफिक को स्मूथ किया जाता है। और कॉरपोरेशन में आज शिंदे साहब की गवर्नमेंट ने, देवेंद्र फडणवीस और अजीत दादा की गवर्नमेंट ने जो योजनाएं की है उससे बम्बई को बहुत बड़ा लाभ हुआ है, पुणे को लाभ हुआ है, सारी योजनाएं गतिमान हो गई है।
ये क्रेडिटेबल थिंग्स है। यू नो गांधी साहब, नरेंद्र मोदी साहब वाज इन मथुरा टू डेज बैक, मथुरा ब्रज भूमि में थे, वहां से अनाउंस किया कि मैं कृष्ण जन्मभूमि को उतना ही भव्य बनाऊंगा जितना भव्य हमने काशी विश्वनाथ को बना दिया है, उज्जैन महाकाल को बना दिया, केदारनाथ को बना दिया, अभी अयोध्या को बना रहे हैं। तो हिज विजन इज एब्सोल्युटली क्लियर, कृष्ण जन्मभूमि। और आगे जाके अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 70 साल से कांग्रेस हैज वर्क्ड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द राम मंदिर। हाउ फार ट्रुथ, उसे कितना सच्चाई है गांधी साहब? नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से हमारे हिंदू धर्म के जितने भी मंदिर है, श्रद्धा केंद्र है, उनका पुनरुत्थान किया है, तो वो बहुत सही बात है, वो कोई गलत नहीं है। इसमें कोई हिंदुत्व का, हिंदुइज्म का फैनेटिज्म नहीं है। देखो, हर देश की एक कल्चर होती है, एक रग होती है। आज इसराइल ने इतना प्रगति की, इनका कारण क्या था? इन्होंने अपनी हिब्रू लैंग्वेज को स्वीकार किया, उन्होंने अपनी ज्यू कल्चर को एक्सेप्ट किया और वहां के लोगों को एक अस्मिता खड़ी की। जापान ने भी अपनी जापान के बच्चों के अंदर भी एक संस्कार डाले कि आई विल डाई फॉर माय जापान लैंड, फॉर माय नेशन, उनकी कल्चर को खड़ी रखी। तो अगर आज 17 साल से कांग्रेस ने हमारी हिंदू कल्चर को, हिंदुस्तान की कल्चर को सिर्फ तोड़ने का, मारने का प्रयत्न किया और मुसलमानों का तुष्टीकरण करके हमारे देश को एक विद्रोह की ओर ले जाने का और हिंदुओं को अशक्त बनाने के लिए और मुसलमानों को सशक्त बनाने का काम किया, इसमें राम और कृष्ण जन्मभूमि फिर से पुनरुत्थित होता है उनका, तो मेरे हिसाब से बहुत सही है। और सारे हिंदू धर्म के जितने भी श्रद्धा केंद्र है उनको फिर से पुनर्जीवित करना चाहिए। आप देखिए, आपको एक छोटी बात बताऊं कि द्वारका हमारे गुजरात का, मैं गुजराती हूं, हमारे द्वारका में गुजरात की द्वारकाधीश का बहुत बड़ा मंदिर है, तो वहां बाजू में कई मुसलमान लोगों ने, माफिया लोगों ने आकर के पूरे मुसलमान एरिया करके हमारे हिंदू द्वारकाधीश मंदिर को कवर करने का प्रयत्न किया। और जब नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में भूपेंद्र भाई पटेल, जो हमारे गुजरात के सीएम है, उन्होंने पूरे सारे अनऑथोराइज स्ट्रक्चर तोड़ दिए, तो कांग्रेस बुखलाने लगी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, शरद पवार सब बड़े बड़े स्टेटमेंट देने लगे और हमारे हिंदू मंदिरों के ऊपर कोई अटैक होता है, कुछ तकलीफ होती है, तब ये सब साइलेंस जोन में चले जाते हैं। सो व्हाट इज द सिचुएशन नाउ सर? मुकेश गांधी साहब, बिकॉज़ दिस इज अ सब्जेक्ट व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग टू मी, बिकॉज़ वी वर टोल्ड कि द्वारका में नाउ देयर इज अ मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स एंड ऑल द हिंदूज आर बीइंग ड्रिवन आउट। व्हाट इज द सिचुएशन नाउ? नहीं 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 नहीं, पूरे आप जाके वहां सर्वे कराइए, वीडियोग्राफर को भेजिए, पूरा जो इनलीगल जो द्वारका पेट के ऊपर जो जितना भी अतिक्रमण हुआ था वो सब बुलडोजर फिरा के निकाल दिया गया है। योगी जी से भी बड़ा काम भूपेंद्र पटेल चीफ मिनिस्टर ने गुजरात में किया है और कई जगह ये काम हो रहा है। लवली। सो सर, व्हाट डू यू थिंक इज द फ्यूचर फॉर मिस्टर अजीत दादा पवार इन दिस गवर्नमेंट सर? अजीत दादा विल बी मोर एंड मोर स्ट्रांग, क्योंकि एक तो अजीत दादा ग्रास रूट के लीडर है जी, दूसरी बात उन्होंने में है कि उनके अंदर विवेक बुद्धि बहुत जबरदस्त है। वो कार्यकर्ताओं को जितना प्यार देते हैं, संभालते हैं, उतना ही अजीत दादा जो गवर्नमेंट की मशीनरी है और ब्यूरोक्रेट है उनके साथ मिलजुल के जो प्रोग्रेसिव काम है वो काम करते हैं। और मुझे लगता है कि उनके पीछे हमारे प्रफुल्ल पटेल साहब का भी बहुत बड़ा योगदान है। आज शरद पवार साहब, सुप्रिया सुले क्यों बौखलाए हुए हैं? क्योंकि प्रफुल्ल पटेल उनके साथ थे, वो अजीत दादा के साथ चले गए, पर आज अजीत दादा के लिए आज प्रफुल्ल पटेल साहब एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ हो गए हैं। और ये दोनों मिलके देवेंद्र फडणवीस जी और हमारे श्रीकांत शिंदे जी, इनको साथ में रख करके अजीत दादा बहुत अच्छा प्रोग्रेस करेंगे और आने वाले सभी इलेक्शनों में अपना नंबर वन करते जाएंगे। नंबर वन, व्हिच मींस वी कैन सी मिस्टर अजीत दादा पवार एज द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र? नहीं, ये कहना बहुत जल्दबाजी है, क्योंकि अजीत दादा खुद भी कभी नहीं कहते हैं कि मुझे चीफ मिनिस्टर बनाओ, मैं चीफ मिनिस्टर का दावेदार हूं। ये सब प्रोपेगेंडा यहाँ के
मीडिया ने किया हुआ है। फडणवीस साहब ने कहा था सर कहते हैं एक दिन बनेंगे। नहीं 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 बनेंगे तो सब शुभेच्छा तो देते हैं ना। मैं भी चाहता हूं कि आप भी नंबर वन टीवी ऑफ इंडिया बन जाएं। मेरी शुभेच्छाएं आपके लिए, तो उसमें क्या मैंने आपका सपोर्ट रहेगा तो जरूर बनेंगे सर। आपका सपोर्ट रहेगा तो जरूर बनेंगे, जरूर बनेंगे गांधी साहब। और शरद पवार साहब आजकल जो अजित पवार साहब के आपने गुण गाए थे, पवार साहब शरद पवार साहब जितने रिबेल एमएलए जो उनका कहना है कि धोखा लेके गया, हर उनके जिले में उनके तालुका में असेंबली सेक्शन में बड़े बड़े मीटिंग ले रहे। इट स्टार्टेड विद मुंडे एंड फ्रॉम देयर अभी लास्ट उन्होंने अनिल पाटिल, अनिल पाटिल के असेंबली सेगमेंट में मीटिंग लिया और उनका कहना है कि जितने भी जहां जहां मैं मीटिंग ले रहा हूं ये लोग वापस जीत के नहीं आएंगे ना। बजाज साहब ने जो टॉपिक छेड़ा कि अजित पवार जी के साथ जो लोग हैं वो आगे जाकर पार्टी को मजबूत करके एक सीएम बनाने की कैपेबिलिटी है, बट पवार साहब जो लगातार सब जगह मीटिंग ले रहे एवरी असेंबली सेगमेंट ऑफ रिबेल्स स्टार्टेड फ्रॉम धनंजय मुंडे एंडिंग नाउ रिसेंटली अनिल पाटिल, क्या आपको लगता है कि बहुत बड़ा वेव एंटी चला जाएगा और जितने लोग अजित पवार साहब के साथ आए सब हार जाएंगे, जैसे पवार साहब का कह रहे शरद पवार साहब का कहना है सब हार जाएंगे? पवार साहब का ये जो स्टेप है जहां जहां जाके वो मीटिंग करते हैं उसमें लोगों का असंतुष्ट ज्यादा बाहर आता है और अजीत दादा पवार के ग्रुप में लोगों की सहानुभूति और बढ़ती है। कोल्हापुर के अंदर जब उन्होंने सभा ली तो 3,000 लोग नहीं थे, जबकि हमारे मुशरिफ साहब ने सभा ली तो वहां 8,00,000 लोग इकट्ठे हुए थे अजीत दादा की मीटिंग में। वैसे ही धनंजय मुंडे ने जब मीटिंग ली तो वहां 3,00,000 लोग इकट्ठे हुए थे और पवार साहब ने मीटिंग ली तो वहां 4,000-5,000 से भी ज्यादा लोग नहीं थे। तो इसका मतलब क्या है भैया? ये लोग सब देखते हैं, लोगों को पता है कौन कितने पानी में है, सबकी पहचान है सबको। बट इसलिए आप घबराइए मत, बट मुकेश आने वाला समय अजीत दादा का ही है। बट मुकेश गांधी साहब, शरद पवार जी हैज बीन योर लीडर, बोलिए। यू ऑलवेज, आई एम श्योर यू हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हिम एज अ पर्सन। Yes, I have still every time I salute Sarat Pawar Saab. He is a great leader and I worked under him and I was in with him in his party for 20 years, so I can't forget him. But in today's situation, we should be progressive और युग जो है वो परिवर्तनशील होना चाहिए और हमें भी परिवर्तनशील बनकर के हमारे महाराष्ट्र को और हमारे देश को आगे बढ़ाना चाहिए। I hope all of you bury your differences and I hope the NCP reunites again. I hope that happens. नहीं, NCP will never unite again. Don't say. NCP will go with BJP's philosophy, ideology, with keeping his own ideology also. But now the NCP with Ajit Dada group and Praful Patel group will progress with BJP only. Wonderful. Thank you very much, Mr. Mukesh Gandhi. You've appeared on the RTV show on Nation Now for the first time. Thank you so much, sir. Aur ek baar phir Guru Nanak Dev Jayanti ki aapko bahut bahut shubhkamnaye. Thank you very much. Thank you. Jai Hind, Jai Maharashtra. Jai Hind, Jai Maharashtra. Vande Mataram. Vande Mataram. Thank you. So, Pradeep ji, that door is shut. I mean, he's been one of the most frank persons that you have interviewed and yes, you know, very, very, very upfront, clear on the future of Ajit Dada and the NCP. Well, that's what Ajit Dada Pawar hopes for. That's all that I can say. Because there's no ifs and buts. There's only we have taken a decision and the decision is going to continue. Lekin Pradeep ji, aaj ki tarikh mein Chhagan Bhujbal sahab jis prakar public mein ja karke जिस प्रकार अपनी ही सरकार पर अटैक कर रहे हैं, मतलब यू कांट जस्ट विश इट अवे, यू कांट जस्ट से कि भाई दी ठीक है वो उनका ओपिनियन है क्योंकि वो ओबीसी नेता हैं वगैरह वगैरह इस तरीके से बोल रहे हैं। अरे वो खुद बोल रहे हैं शिंदे कमेटी को आप डिसॉल्व कीजिए, तो ही इज अ मिनिस्टर यार, ही इज अ कैबिनेट मिनिस्टर इन द सेम कैबिनेट। दो तीन चीज जी यू बीन टॉकिंग अबाउट गांवबंदी है, आई मीन वो तो क्लियर कट है, इफ द बोर्ड्स आर स्टिल देयर यू आर स्केयरिंग ऑफ, यू नो इट इज मेंट फॉर सम पीपल, यू आर मेंट, you are trying to intimidate and bully yes. people. Let's be very clear. और जैसा कि सुरेश चंद्र राजन जी ने कहा, मराठाओं का बोलबाला ऐसा महाराष्ट्र में, भले वो अपने आप को बैकवर्ड कह रहे हो,
सीधी सादी बात है, तो इसका मतलब ओबीसी लीडर्स अंदर जाएंगे तो मारपीट हो जाएगा, मॉब अटैक होगा। इसका इसका मतलब क्या हुआ? आप बाकी सब लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं ना, मतलब तो यही हुआ ना। आई थिंक दिस कॉल्स फॉर अ मोर सीरियस डिस्कशन। इट्स वेरी इजी फॉर द एनसीपी लीडर्स टुडे टू जस्ट ब्रश दिस अंडर द कार्पेट एंड से हे देयर इज नथिंग रॉन्ग। आई डोंट एक्सपेक्ट देम टू एडमिट देयर इज समथिंग रॉन्ग। आई मीन इफ ही इज विद अजीत दादा पवार, आई डोंट एक्सपेक्ट हिम टू से हे लिसन या आई एम श्योर what Mr. Bhujbal is doing is not right. I don't think so. It would take a special kind of person to do that. In any